थोड़ागिरी धाम को ट्रस्ट बनाने के लिए हाईकोर्ट ने रास्ता साफ कर दिया है। आपको बता दें कि 30 अप्रैल 2019 को विकास संघर्ष समिति ने नरेश सरकारी के नाम से उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की थी कि पूर्णागिरी धाम को जागेश्वर धाम की तर्ज पर ट्रस्ट बनाया जाए, जिसको लेकर अब उच्च न्यायालय ने ट्रस्ट बनाने के लिए रास्ता साफ कर दिया है। वह इस खुशी में विकास संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं ने तुलसीराम चौराहे पर आतिशबाजी कर मिठाइयां वितरित की। साथ ही नरेश सरकारी ने उच्च न्यायालय का आभार व्यक्त करते हुए बताया कि हम पूर्णागिरी धाम को ट्रस्ट बनाने के लिए काफी लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, जिसको लेकर हम कई मंत्रियों के पास भी गए, लेकिन आश्वासन के अलावा हमें कुछ नहीं मिला। लेकिन अब हाईकोर्ट ने हमारी समस्या सुनी है। कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी पर मिठाई बांटी। पूर्णागिरी धाम पर हाईकोर्ट का ये फैसला आया है, जहां पर आपको बता दें कि पूर्णागिरी धाम को ट्रस्ट बनाने की मंजूरी मिल गई है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अशोक जुड़ चुके हैं। अशोक, इस तरीके से आतिशबाजी कर मिठाई बांटी गई है, क्या कुछ अभी तक की अपडेट सामने आई है? हेलो। जी अशोक, जिस तरीके से पूरागिरी धाम को आज जिस तरीके से कार्यकर्ताओं में वहां पर आतिशबाजी कर रहे हैं और मिठाई बांट रहे हैं, तो हाईकोर्ट का फैसला आया है, तो क्या कुछ अभी तक की अपडेट सामने आई है? सुबुल जी, ये बताऊंगा कि कई सालों से समिति द्वारा संघर्ष किया जा रहा था कि पूर्णागिरी धाम को ट्रस्ट में तब्दील किया जाए। जी तो कई बार कई मुख्यमंत्री आए और गए, इनको भी ज्ञापन दिया गया, लेटर दिया गया, केवल आश्वासन मिला। जी लास्ट में थक हार के ये लोग हाईकोर्ट ने ट्रस्ट के लिए आदेश कर दिया। तो जी उन लोगों में बहुत खुशी जाहिर हुई, जिसको लेकर मिठाई भी बांटी गई, आतिशबाजी भी की। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो आपको बता दें कि हाईकोर्ट के फैसले का सभी लोगों ने जोरदार से स्वागत किया।